दोस्तों, अगर आपने गूगल पर कुछ भी सर्च किया है या कुछ भी देखा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल के सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं गूगल की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का दो तरीका बताने वाला हूँ। दोनों तरीका बेस्ट होने वाला है, एंड जो दूसरा तरीका है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस तरीके से आप गूगल की या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे एप्लीकेशन की हिस्ट्री एक ही क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है। एंड गूगल को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर के साइड में यहाँ पर कॉर्नर पर देख सकते हैं आपके जीमेल आईडी का लोगो दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइड में यहाँ पर दूसरे नंबर पर देख सकते हैं सर्च हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है आपको। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए हैं। अगर आप आज की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये जो डिलीट टुडे दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़े से वेट करना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आज की जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुकी है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं केवल कल की हिस्ट्री एंड उससे पहले वाली हिस्ट्री शो हो रही है। तो आपको सभी हिस्ट्री को एक साथ में डिलीट करना है। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपली आपको डिलीट पर क्लिक करना है। एंड डिलीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट ऑल टाइम, तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बॉक्स बना हुआ है, आपको सिंपली इन दोनों बॉक्स पर टिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो इमेज सर्च किया है वो भी डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपने गूगल पर सर्च किया है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो आपको सिंपली नीचे के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना है। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी जो जो डिलीट होगा। इसके बाद आपको नीचे के साइड में फिर से डिलीट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल की जो सर्च हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ से गो इट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो गूगल की सर्च हिस्ट्री है वो पूरी तरह से यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से सिंपली बैक आ जाता हूँ। एंड बैक आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हिस्ट्री शो नहीं हो रही है। एंड दूसरा तरीका जो है दोस्तों, उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, वहाँ से आप यूट्यूब या फेसबुक या आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए करना क्या, आपको सर्च पर क्लिक करना है। एंड सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है माई गूगल एक्टिविटी। तो यहाँ से सिंपली आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है पहले नंबर पर माई गूगल एक्टिविटी। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये सर्च हो जाएगा। एंड सर्च होने के बाद ये जो पहली वेबसाइट दिख रही है आपको माई एक्टिविटी गूगल डॉट कॉम, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। एंड फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट आपके फ़ोन में ओपन हो गई है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ प्ले स्टोर, गूगल असिस्टेंस, यहाँ पर मैप या फिर गूगल या फिर यूट्यूब सभी का हिस्ट्री आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आना है। एंड नीचे के साइड में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। सबसे पहले नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी हिस्ट्री शो हो रही है, जैसे कि यहाँ पर गूगल की हिस्ट्री एंड यहाँ पर YouTube की हिस्ट्री, यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन रहेंगे सभी की हिस्ट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको करना कि आपको सिंपली नीचे के साइड में आना है। एंड नीचे के साइड में आने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना है। एंड डिलीट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको सिंपली ये जो तीसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑलवेज, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना कि यहाँ पर देख सकते हैं सारे पर टिक लगा हुआ है। यहाँ पर एड्स हो गया, क्रोम हो गया, डिस्कवर, यानी कि जितने सारे एप्लीकेशन आप यूज किए रहेंगे सारे पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है। अगर किसी बॉक्स पर आपका टिक नहीं लगा है तो सिंपली आपको उस पर टिक कर देना है। एंड टिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं नीचे के साइड में यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन आ चुका है।
आपको सिंपली डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुकी है। एंड यहाँ पर आपको गोइट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों अब आपकी यूट्यूब, फेसबुक यानी कि जितने सारे एप्लीकेशन है सभी एप्लीकेशन का जो हिस्ट्री है वो एक ही क्लिक में डिलीट हो चुका है। सो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।